प्रशांत किशोर जन स्वराज की सोच को लेकर बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। इसी क्रम में वे आज बेगूसराय पहुंचे। बेगूसराय में उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधि, युवाओं, महिलाओं और समाज के अन्य लोगों के साथ जन स्वराज की सोच पर संवाद किया और 2 अक्टूबर से शुरू हो रहे पद यात्रा के बारे में बताया। बेगूसराय के एक स्थानीय होटल में प्रशांत किशोर ने पत्रकार के साथ संवाद किया। इसी क्रम में उनके साथ जन स्वराज से जुड़े पूर्व डीजीपी संत कुमार पासवान भी मौजूद थे। प्रशांत किशोर ने जन स्वराज के विचार को रेखांकित करते हुए बताया कि जन स्वराज का माध्यम से वो लोगों के साथ संवाद स्थापित करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा, उद्देश्य है बिहार में नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना, सत्ता परिवर्तन हमारा मकसद नहीं है। अगर पद यात्रा के बाद सब लोगों की सहमति से कोई दल बनता भी है तो वो बिहार के सभी लोगों का दल होगा, प्रशांत किशोर का दल नहीं होगा। सब मिलकर अगर तय करेंगे तो दल बनाया जाएगा, अगर बनता है तो प्रशांत किशोर उनके नेता नहीं होंगे। मैं सभी लोग से बात करने की, समस्याओं को समझने से अपना पूरा वक्त लगा रहा हूं। बिहार की बदहाली पर बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जो लोग विकास का दावा कर रहे हैं, अगर उनको सच मान भी लिया जाए तो भी देश में सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग, बेरोजगार लोग, गरीब लोग बिहार में रहते हैं। बिहार के विकास के लिए सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास पर बल देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि देश के अग्रिम राज्य में अगर बिहार को खड़ा करना है तो बिहार के लोगों को मिलकर प्रयास करना होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि वह 2 अक्टूबर से पश्चिम चंपारण के गांधी आश्रम से पदयात्रा शुरू करेंगे। इसी पदयात्रा के माध्यम से वो बिहार के हर गली, गांव, शहर, कस्बों के लोगों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनसे समझेंगे कि कैसे बिहार के बेहतर बनाया जा सकता है। पदयात्रा में जब तक बिहार पैदल ना चले तब तक वापस लौट नहीं पाऊंगा। बिहार में नई नवेली महागठबंधन की सरकार पर निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में बस सरकार पर नाम प्लेट बदल जाता है लेकिन सरकार के क्रियाकलाप में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि एक महीना पहले पक्ष में थे, आज वो विपक्ष में हैं, आगे कहां जाएंगे किसी को नहीं पता। नीतीश कुमार NDA से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हुए हैं और देश भर में विपक्ष के जो नेता हैं उनसे मिल भी रहे हैं। सर, इसके आगामी जो लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर होगा? सर, देखिए, इसको मैं कई दफे मैं ये बात कह चुका हूं, बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि NDA से हटके नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन या 7 दलों का एक गठबंधन बनाकर जो सरकार बनाई है, मैं उसको राज्य की घटना मानता हूँ। उसका देश की राजनीति पर कोई बहुत बड़ा असर हो ऐसा मुझे लगता नहीं है। जितनी राजनीतिक समझ मुझे है उसके हिसाब से मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसका देश की राजनीति पर कोई बहुत असर पड़ने वाला है। जहां तक आपने कहा कि वो मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पार्टियों से मिल रहे हैं, ये तो स्वच्छंदता है, किसी कोई भी व्यक्ति ये कर सकता है। अभी एक महीने पहले तक तो नीतीश जी ही कह रहे थे कि वो पक्ष में ही थे, अब एक महीने के बाद वो विपक्ष की बात कर रहे हैं, 2 महीने के बाद फिर कहाँ रहेंगे, ये आपको हमको भरोसा कितना है, जनता उस पर कितना भरोसा करती है, ये तो जनता को तय करने दीजिए। लेकिन ये बिहार की घटना है, बिहार में आप कोई गठबंधन या कोई फेरबदल करते हैं उससे देश की राजनीति पे कोई बहुत असर पड़ेगा ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। मान लीजिए कि महाराष्ट्र में एक महागठबंधन की सरकार चल रही थी, बिहार के उलट, बिहार में NDA चल रही थी, यहाँ महागठबंधन बन गया, महाराष्ट्र में महागठबंधन की सरकार चल रही थी, वो हट के अब NDA की सरकार बन गई, उसका असर दूसरे जगह क्या पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, वो वहां के राज्य की स्थिति है, वहां के राज्य की राजनीतिक घटनाक्रम का हिस्सा है। ये जरूरी नहीं है कि उसका असर देश के स्तर पर हो जाए। देश के स्तर पर तब होता जब देश की सारी पार्टियां, जो लोग सो कॉल्ड विपक्ष की भूमिका में है, वो सब मिलकर एक रणनीति बनाते और उस रणनीति के तहत बिहार में अगर ये चेंज होता तो एक बात को माना जा सकता था। बिहार में चेंज हो गया उसके बाद आप देश में घूमकर कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं और जिन लोगों से नीतीश जी मिल रहे हैं उसमें ऐसा नया क्या है? वो तो जो भी जीत के जाता है विपक्ष में रहता है वो एक दूसरे से मिलता है। सर, आप यहाँ के इतने बड़े रणनीतिकार हैं और आप कह रहे हैं कि गृह सूत्र की आपको जानकारी नहीं है, अब जानकारी लेंगे आप बिहार में, आश्चर्य नहीं क्या? इस डिजिटल मीडिया के दौर में
हम जिस पूरे पंचायत को एक घंटा में जोड़ सकते हैं उसको कह रहे हैं आप 15 महीने में जोड़ेंगे, जानेंगे या आश्चर्य लगेगा या हम लोग को हाथ पर लगेगा। आपको लग सकता है, आप पहली बात तो मेरा ऐसा नहीं मानना है कि मुझे इतनी जानकारी है जितना आप बता रहे हैं। मेरा अपना 10 साल का चुनाव का राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में जुड़े रहने का जो अनुभव है, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर जो आप कह रहे हैं उसके उलट